फाइनली ओपो रेनो सेवन सीरीज कल लॉन्च हो गई है और आज मैं ओपोरेनो सेवन प्रो का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूं हाई रिफ्रेश रेट एमोलिट डिस्प्ले सुपर स्लिम डिजाइन फ्लैक्सिप कैमरा फ्लैक्सिप प्रोसेसर सुपर फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर वीडियो मेरे फ्रेंड ने चाइना से शेयर किया है ताकि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले आपको दे सकूं मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट जैसे कि आपको पता ही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल में देखने को मिलते हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं बॉक्स के प्लास्टिक रैप को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और ये एट जीबी रेम टू फिफ्टी सिक्स जीबी स्टोरेज वेरियंट है बॉक्स के ऊपर बड़े से लेटर में फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले कार्डबोर्ड बॉक्स देखने को मिल जाता है जहां पे यूजर मैन्यूल वारंटी कार्ड मिल जाएगा ये है क्लियर केस टाइप सी टू ए केबल पावर एडेप्टर और सिम सिमिजेक्टेड टूल मिल जाता है और यह 65 फाइव वेट का फास्ट पावर एडेप्टर है जो कितने टाइम में फोन को चार्ज करेगा वो मैं आगे बताने वाला हूँ बस बॉक्स में यही सब कुछ मिल जाता है अब फोन को प्लास्टिक फ्रेब से रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं फोन की डिजाइन एंड बेट की डिजाइन के मामले में ओप्पो रेनो सिक्स सीरीज जैसा ही देखने को मिल जाता है बैक भी फ्लैट मिल जाता है और साइड भी फ्लैट दी गई है फोन के बैग में थ्री जनरेशन क्रिस्टल डायमंड टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है इस बार ओप्पो ने बैक के ग्लास में लेजर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी से 1.2 मिलियन फाइन ग्रेटिंग लाइंस को प्लांट किया है जो टेक्नोलॉजी ग्लास बैक को डायमेंशनल टच देती है तो आप बैक में फोर्टी डिग्री की लाइन्स देख सकते हैं और डबल लेयर डबल प्लांटिंग प्रोसेस से दो कलर देखने को मिल जाते हैं और इसी डिजाइन से फोन का लुक काफी प्रीमियम नजर आता है फोन का कैमरा मॉड्यूल पार्ट देखे मॉड्यूल तो, में स्टेप डिजाइन देखने को मिल जाती है अपर जो पार्ट है वो मेटल का बना है और लोअर पार्ट में पार्ट की ब्लू एंड ब्राइट व्हाइट है और इस बार ओप्पो ने कुछ नया ही दिया है मॉड्यूल में ऑप्टिकल फाइबर बेंडिंग प्रोसेस का यूज किया गया यानी फोन में जब भी नोटिफिकेशन मिलेगी इट फ्लैशिस आप देख ही सकते हैं चार्जिंग में भी ये लाइट देखने को मिल जाएगी और ऐसी नोटिफिकेशन लाइट अब तक किसी भी फ़ोन में देखने को नहीं मिली है और ये फ़ोन का बहुत ही यूनिक फीचर कह सकते हैं फ़ोन की फ्रेम एरोस्पेस एल्यूमिनियम से बनी है और ये भी फ्रोस्टेड है विच इज़ नॉट ईजी टू स्लिप ऑफ और फिंगरप्रिंट के साइन भी नहीं दिखेंगे फ़ोन की थिकनेस करीब 7.45 पॉइंट mm की है ऐसे ये फोन ओप्पो रेनो सीरीज का अब तक का सबसे पतला फोन है और फोन का वेट करीब 180 हंड्रेड ग्राम्स का है यानी फोन इतना हैवी नहीं है 180 एटी ग्राम्स के अंदर फोन में 4500 थाउजेंड की बैटरी एक्स लीनियर मोटर प्लेसमेंट mm देखे तो राइट right में पावर बटन दिया गया है और लेफ्ट में वॉल्यूम रोकर दिया गया है ओवरऑल फोन की डिजाइन सुपर मिल जाती है स्पेशली मुझे वो नोटिफिकेशन लाइट काफी अट्रेक्टिव लगी ओपो रेनो सेवन प्रो में डिस्प्ले की बात करें तो फोन में सिक्स पॉइंट फाइव फाइव इंच की पंच होल स्क्रीन मिल जाती है और इस बार प्रो सीरीज में भी फ्लैट स्क्रीन मिलती है जो ओपो रेनो थ्री सीरीज से सिक्स शी सीरीज तक आपको कौड मिलती थी स्क्रीन में बेजल्स काफी नेरो देखने को मिल जाती है टॉप बेजल्स वन पॉइंट एट तक पतली है साइड बेजल्स जो है वो 1.55 पॉइंट फाइव तक पतली है और जो नीचे की चीन है वो 2.8 पॉइंट एट तक पतली है और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92.8 परसेंट तक मिल जाता है जो बहुत ही अच्छी बात है यानी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस सुपर मिलेगा और फोन में 6.55 पॉइंट फाइव की एमओ डिस्प्ले मिल जाती है रिजोल्यूशन फुल एच प्लस मिल जाता है और डिस्प्ले में 100 परसेंट डीसीआई थ्री व्हाइट कलर मिल जाता है, यानी मोर नेचुरल कलर्स। रिफ्रेश रेट इस बार यहाँ पे 90 हर्ट्स की मिल जाए इंस्टेड ऑफ 120 ट्वेंटी और टच सैम्पलिंग रेट करीब 180 एटी का मिल जाता है और फोन में मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल है वो 920 ट्वेंटी तक मिल जाता है और और डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है फोन में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा ही मिलने वाला है क्योंकि स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं और स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी है ओप्पो रेनो सेवन प्रो में कैमरे की बात करें तो इस बार सेल्फी पे ज़्यादा ही ध्यान दिया गया है फ़ोन में थर्टी टू का आर जी बी डब्ल्यू सेंसर लगा है जो लो लाइट में काफ़ी अच्छी फोटो लेता है और ये फोन में पहली बार सेंसर आया है और ओप्पो रेनो सिक्स के कम्पेयर में सिक्सटी ज्यादा लाइट और थर्टी लेस नॉइज कैप्चर करता है और इस सेंसर के साथ कैटाई लेंस भी लगा है मेन फोटो वाइड एंगल फोटो और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शूट करने की कैपेबिलिटी रखता है ये और ओप्पो रेनो 7 प्रो पहला फोन है जहां पे आई एम सेंसर लगा है नाइट फोटो में भी डायनेमिक रेंज काफी अच्छी मिल जाती है नाइट में भी पोर्ट्रेट वीडियो कैप्चर कर सकते हैं जहां पे काफी लाइट देखने को मिल जाती है फोन में रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जहां पे प्राइमरी फ्लेक्सी 50 मेगापिक्सल का सोनी आई एम सेवन डबल सिक्स सेंसर लगा है जो सभी जानते ही है अब ज्यादातर फ्लेक्सी फोन में अभी यही सेंसर देखने को मिलता है सेकेंडरी एट मेगापिक्सल का अल्ट्रा व्हाइट सेंसर मिल जाता है और थर्ड दो मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है डे लाइट में फोटोज अच्छी आती है एक्सपोजर कंट्रोल इज एक्सलेंट अल्ट्रा व्हाइट कैमरा एवरेज कह सकते हैं मेन कैमरा में वाइट बैलेंस इतना अच्छा नहीं है लेकिन ये तो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ऑप्टिमाइज हो सकता है नाइट में काफी अच्छी फोटो मिल जाती है नॉइस लेवल भी काफी कम देखने को मिलता है फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फोर वीडियो 60fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं Oppo रेनो 7 प्रो में परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Dimensity 1200 Max मैक्स प्रोसेसर लगा है जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड थ्री गी की है और ये सिक्स एन प्लेटफॉर्म पे बना है यानी ये पावर एफिशिएंट होगा और ये 1200 हंड्रेड मैक्स जो प्रोसेसर है वो मुझे 1200 जैसा ही लगता है कुछ नया चेंजेस देखने को नहीं मिलता है फोन में एल फोर एक्स रैम मिल जाती है और यू एफ स्टोरेज आप यहाँ पे एंट्रो टू स्कोर देख सकते हैं स्कोर स्नैप ड्रैगन प्लस और एट के बीच में आता है और यहाँ पे रीड राइट स्पीड भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मिलती है लाइक लेग ऑफ लीजेंड ओरिजिनल गोड जैसी गेम हाई सेटिंग पे खेल सकते हैं लेकिन एवरेज रेट करीब 40 एपीएस के अराउंड मिल जाता है फोन का जो टेम्परेचर है वो करीब 38 से 40 डिग्री तक रहता है वैसे फोन में थ्री डायमेंशन कूलिंग सिस्टम भी लगी है जो लार्ज हीटिंग एरिया को हीट डिसिपेशन के लिए कवर करती है जैसे कि मैंने बताया था कि करीब 13,000 mm का जो एरिया है वो हीट डिसिपेशन के लिए कवर किया गया है रेनो 7 प्रो में बैटरी की बात करें तो 4,500 थाउजेंड फाइव की बैटरी मिल जाती है बैटरी को चार्ज करने के लिए 65 फाइव का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो फोन को जीरो टू हंड्रेड चार्ज करने में करीब थर्टी फाइव मिनट से लेता है ओपोरेनो सेवन प्रो का डिटेल कैमरा रिव्यू और परफॉर्मेंस रिव्यू में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ओप्पो रेनो 7 प्रो के प्राइस की बात करें तो एट जी बी रैम टू फिफ्टी सिक्स जी बी स्टोरेज वेरियां की जो प्राइस है वो करीब इंडियन रुपीज़ में फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड तक होती है जो मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है कंक्लूजन पे आए तो डिस्प्ले बेस्ट है कैमरा भी काफ़ी अच्छा है डिजाइन एंड परफॉर्मेंस भी अच्छा है लेकिन स्पेक्स के हिसाब से प्राइस थोड़ी ज्यादा लग रही है और दोस्तों ओपो रेनो सेवन प्रो इंडिया में अगले ही महीने फर्स्ट या सेकंड वीक में लॉन्च हो सकता है अगर दोस्तों आपको एक सेल्फी कैमरा सेंट्रिक फोन लेना है जो आप लो लाइट में भी फोटो करते हैं और पूरे दिन सेल्फी लेते हैं तो आप ओपो रेनो सेवन प्रो को कंसिडर कर सकते हैं तो दोस्तों आपको कैसा लगा ओपो रेनो सेवन प्रो कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताया और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला देखने के लिए सब सब्सक्राइब करके हमारी टैक टीम को ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टैक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे सब पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टैक अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग हैवे अट डेन कीप स्माइलिंग